सामने वाली गाड़ी का टायर फट चुका और ऑलमोस्ट धीरज रजवाल। तो दिस इज हायर देन द प्रीवियस यू नो द प्रीवियस बहुत ही अच्छा जम्मू में फर्स्ट टाइम है मेरा एंड वी आर हैविंग अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। ये है रियल रेसिंग कार, आप डिजाइन देखिए अंदर से, खतरनाक सीन हो गया गाइस। गाड़ी का जो अलॉय है वही टूट के बाहर आ गया और टायर जो है हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल। आज है डे टू और आज हमने एक एडिशन की है कि हम लोग आज जो है अल्टो में भी फॉर्म कर रहे हैं और हमारी जो सेंट्रो ऑलरेडी वहाँ हम छोड़ आए थे कल, वो तो करेगी री राइड और साथ में अल्टो 800 भी हमारी जो आज पार्टिसिपेट कर रही है, तो लेट्स सी कैसा रहता है। पर्पस तो एंजॉय करना है, हार जीत का कोई इशू नहीं है, देखते हैं। ओ सर, कैसे हो? तो आज हमारे रोहित जी भी रेस करेंगे ऑल्टो में, तो चलो चलते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हो? आज कर रहे हैं ऑफरोडिंग? बढ़िया बढ़िया। ऑफरोडिंग कर रहे हैं? आज भी नहीं कर रहे हम, पूरे प्लानिंग करके आया था पर प्लान चेंज हो गया। कर दो ऑफरोडिंग। अशोक सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या हाल है सर? ठीक हो? आप कर रहे हो आज? नहीं मैं वैसे आया हूं, पता नहीं था, थोड़ा सा गाड़ी ले आता था, मैं ऐसे आया। ठीक। अच्छा ये भी आया हुआ आज? ठीक हो? बढ़िया। और धनुष भाई कैसे हैं? हां एक ही गाड़ी करा रहे हो छोटे भाई? आज ऑल्टो में करना है? आज सेंट्रो में भी करना है। सेंट्रो में भी करना है ऑल्टो? रोहित भी रजिस्ट्रेशन करवा रहा अभी राइड के लिए। तो गाड़ी तैयार है बिल्कुल हमारी और गाड़ी को नंबर मिला है 73 और हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर रोहित, अपना कार्ड दिखाइए, ये इनका कार्ड है आज रेसिंग का। और बड़े ध्यान से चलना है, बड़े आराम से चलना है क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल नहीं हैं, हम लोग यहाँ मज़ा लेने आए हैं खाली। ये है रियल रेसिंग कार, आप डिज़ाइन देखिए अंदर से, पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा गया है, सीट्स निकाल दी गई हैं दोनों, स्टपनी भी नहीं है इसमें क्योंकि गाड़ी को थोड़ा हल्का करने के लिए। और इसने ये जो आप पाइप देख रहे हैं बड़ी हार्ड पाइप है, ये इन केस अगर गाड़ी पलट भी जाती है तो पूरी फुल जो सेफ्टी रहती है। टायर की बात अगर हम करें तो रैली टायर है, फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट। और ये गाड़ियाँ ख़ास तरह की तैयार की जाती हैं रैली के लिए। जो हम लोग गाड़ियाँ लेके आए हैं वो तो घर पे चलने वाली नॉर्मल गाड़ियाँ लेके आए हैं, लेकिन ये गाड़ियाँ जो हैं ये प्रोफेशनली तैयार की गई हैं खाली और खाली रैलीज के लिए। सीटिंग देख लीजिए, सीट कैसी है इसमें, बहुत बढ़िया। पीछे से रियर लाइट होता है, हैंड ब्रेक नहीं, हैंड ब्रेक हर जगह जरूरी नहीं है। तो अगर आप स्पीड हो, मोमेंटम है आपकी गाड़ी में, हमारे यहाँ आए हैं लक्ष्मीर जी, बड़े अच्छे चैंपियन हैं ये रेसिंग के। और सर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका जम्मू? बहुत ही अच्छा, जम्मू में फर्स्ट टाइम है मेरा एंड वी आर हैविंग अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। वेदर थोड़ा आज दो दिन से हमारे साथ नहीं है, बारिश हो रही है, बट वंडरफुल प्लेस, वंडरफुल पीपल, वंडरफुल हॉस्पिटैलिटी एंड आई वुड रिकमेंड टू एवरीवन टू कम हियर इन फ्यूचर इवेंट्स एंड आई विल आल्सो बी हियर फॉर श्योर। थैंक यू, वेरी ऑनेस्ट, हमने बहुत इन्जॉय किया आपकी जो रेस थी, कल से हम लोग देख रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। Thank you. आपका सपोर्ट है, सो वी ऑल्सो इन्जॉय ड्राइविंग अमंगस्ट, थैंक यू सच सपोर्ट, थैंक यू। यार इंदे को स्टिकर लेना है दूआ जीएमसी वाला, अभी रखी पीछे है।
और ये लगी है हमारी सेंट्रो, आज री राइड करवाएंगे इसे भी। तो गाइस इस रेसिंग इवेंट में अमनदीप सिंह जी भी आए हैं दिल्ली से। तो कल मैं इनकी रेस देख रहा था, वाकया बड़ी ज़बरदस्त, ये भी प्रोफेशनल है। तो सर कैसा लगा आपको जम्मू में आके? बहुत अच्छा लगा, वेदर बहुत अच्छा है, धूप भी अच्छी है, बारिश भी अच्छी है, लोग भी अच्छे हैं, ट्रैक भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इवेंट है, बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक आपको। थैंक यू। ओके सर, फर्क तो पड़ता है, यहाँ से है गीला अभी, थोड़ा खाना कल भी चल रहा था। बारिश ठीक हुई है? आज धीरज ने रीरन लिया है फिर से, कल क्योंकि जो टाइमिंग थी उसको दो तीन लोगों ने क्रॉस कर दिया था, तो अभी देखेंगे अगर बीट कर सके तो अच्छी बात रहेगी। ये रबड़ के हैं? अलाउड नहीं है, आपको फुल ग्लास पहनना है। आपके वाले जो है वो स्लिप कर रहे हैं, मैंने कल भी किया था वो स्लिप कर रहे थे। अब वो रैली ग्लव है, आपको रैली स्टेयरिंग लगानी पड़ेगी। कौन सी रैली ग्लव? लेकिन कितना ग्रिप है? सेफ्टी रेगुलेशन के साथ आपको ग्रिप है। बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं भाई इनके, घर से जो हमने ग्लव्स लाए थे वो उन्होंने लो नहीं किया, वो कह रहे हैं कि हमारे जो हैं अपने वाले जो ग्लव्स हैं वही लगा के चलानी है गाड़ी। अब ग्लव्स चेंज कर लिए धीरे ने। तो भाई आ चुकी है अपनी गाड़ी नंबर 73 डॉक्टर रोहित। ओके, एक और अपडेट कि डॉक्टर रोहित रजवार। मैं बिना किसी को बता दूं, मैं बता दूं कि गांधीनगर हॉस्पिटल में डॉक्टर रोहित रजवार से आप मिल सकते हैं, बट प्लीज प्लीज डोंट स्प्रेड द वर्ड। सो रोहित रजवार, गो गेट इट।
नेक्स्ट टाइम यू विजिट अ हॉस्पिटल और अ क्लिनिक डोंट एक्सपेक्ट योर डॉक्टर्स टू बी वेरी सिंप्लीफाइड काइंड ऑफ अ पर्सन. भाई लोग डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं, कम ऑन. मज़ा आएगा अब इनका राइड देखने का. ड्रिफ्ट देखिए इनकी, ड्रिफ्ट क्या मारते हैं रियल प्रोफेशनल्स, क्या होते हैं आप देखिए इनका ड्रिफ्ट देखिए. खतरनाक सीन हो गया गाइस, गाड़ी का जो अलॉय है वही टूट के बाहर आ गया और टायर जो है वो कम से कम भी 20-30 फुट जो है वो आगे चला गया है और गाड़ी वहां पे फंस गई है. ये है रैलीज में रिस्क और रोमांच दोनों. So this is higher than the previous, the previous motorsports event which was held. This is much higher, and especially a big thank to the Aurium Grand for providing the venue and the hospitality and making sure that all of you people are, properly taken care of. So these kind of events not only bring out the talent. I
The privilege to have such young and dynamic officers amongst us. मैं सेकंड रनर जब पे आया था उस टाइम जिप्सी जी होती थी, दिस फैंसी कार्स वर नॉट अवेलेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं जो शिमला में रहते हैं, उन्होंने हिमालय रैली शुरू की थी। यहाँ पे मैं खास करके बैकयार्ड कस्टम्स को जिनका मैं आज काफ़ी गाड़ियां दौड़ी हैं इस ट्रैक पे और ट्रैक की हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी है, ख़ास तौर पे इस टर्न पे। अभी जो है फिर से लेवल किया जाएगा ट्रैक को, उसके बाद जो है फिर से रन करवाया जाएगा गाड़ियों से। भाई सामने वाली गाड़ी का टायर फट चुका और ऑलमोस्ट टायर रिम के बाहर आ चुका है। स्कोडा स्कोडा टायर अगला वही है ना काम। बड़ा स्कोर करने के लिए और शादाब का भी कॉन्फिडेंस इससे थोड़ा बढ़ जाएगा। ये विकेट दूसरी कैटेगरी की गाड़ी लेते हुए तेज है, मार चली गई थी। गर्ल्स कैटेगरी में
ऐसी फोटोग्राफी किसी की नहीं हुई अभी। सो फाइनली इट्स द एंड ऑफ द इवेंट और बहुत जबरदस्त हुआ एंड थैंक यू आयुष फॉर द अमेजिंग सपोर्ट एंड रजवाल एक्सप्लोरर्स आपका यूट्यूब हैंडल अमेजिंग है और मैं देखता हूँ और जितने भी व्यूअर्स हैं जरूर इन्हें सब्सक्राइब कीजिए एंड फिर से मौका लगे तो जरूर एक बार आए और जितने भी व्यूअर्स हैं इनके डू सपोर्ट हिम इज वन ऑफ द बेस्ट एंड थक गए मजा आ रहा है फिर भी बहुत बढ़िया काम किया आपने दो दिन से मैं आपको देख रहा हूँ बड़ी एफर्ट्स तो आपने लगाई थकना तो लाजमी है, और ये है कि चलो अच्छी चीज करके थके हैं जी जी और कभी कभी मौका मिलता है ऐसा इस तरीके का इवेंट होता है अदरवाइज हमें बाहर जाना पड़ता है जैसा भी हुआ ठीक है अच्छा है बहुत बढ़िया था एंड हर बार एक एक्सपीरियंस होता है और बस कुछ ही देर में प्रोविजनल रिजल्ट्स हैं वो आउट हो जाएंगे जी जी और मजा आने वाला है जबरदस्त ऐसा तो होता है कि हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और एज ए ह्यूमन बीइंग हमें उससे सीख लेके आगे इम्प्रूवमेंट करने की भी जरूरत है नो डाउट इसमें आपके कोई कमी देखने को मिली नहीं इवेंट में सब बढ़िया ही था तो हम लोग होप करते हैं कि इससे भी नेक्स्ट लेवल का हमें अगली बार देखने को मिले डेफिनेटली जैसा मैंने कहा कि एक्सपीरियंस होता है तो हर बार इंसान सीखता है क्या चीजें रह गई क्या करता है आई होप अगली बार इससे और बेहतर होगा बट हम लोग वेरी सून एक और बड़े प्लान के साथ आ रहे हैं मौका मिलेगा और अच्छा होगा और जम्मू वालों को थोड़ा और एडवेंचर करने का मौका मिलेगा ठीक है सर हमें इंतजार रहेगा उससे बिल्कुल सर थैंक यू कैटेगरी ए अपर क्लास अप टू 1100 सीसी फॉर नंबर 3 मिस्टर धीरज रजवाल So I would like to congratulate the team those who were engaged in track and और मैं अपनी जम्मू मोटर स्पोर्ट कम्युनिटी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें मौका दिया रेस करने का और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ once again thank you sir thank you so much and जितने भी overall जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो एंजॉय किया होगा ओके ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट इवेंट एनी गेसेस फॉर द कैटेगरी ऑफ फोर व्हील ड्राइव ऑल व्हील ड्राइव आवाज नहीं आ रही है फारूक सेठी create a better environment for motorsport and create more awareness for people thank you I would like to congratulate and I would like to call on stage everyone from the team JMC to to all the hard work for the amazing moment for the team JMCA हेलो दोस्तों कल के इवेंट के बाद हम लोग जो है रात को लेट पहुंचे थे तो वीडियो हम लोग बना नहीं पाए कि कैसे रही थी हमारी रेस कल का जो संडे का था डे सेकंड बहुत ही बढ़िया रहा
ऐसा ऐसा देखने को मिला जो हम लोग टीवी में देखते थे। इतने अच्छे अच्छे प्रोफेशनल रेसर वहाँ पे आए हुए थे, जैसे लक्षदीप जी थे और भी उनकी टीम के मेंबर थे, हमारे जो मोटर स्पोर्ट कम्युनिटी जो है उनके मेंबर भी थे जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और भी पार्टिसिपेंट्स थे। तो कल जो है बड़ी गाड़ियों के जो है टायर भी खुल गए, कई लोगों के अलॉय टूट गए, मतलब इतना इतना रोमांच से भरा हुआ रेसिंग इवेंट लग रहा था कल। बैकयार्ड कस्टम ने बड़ा अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था कि जिस वजह से हम लोग इस इवेंट में थे कि हमने जो हमारी जम्मू मोटर स्पोर्ट कम्युनिटी उसको सपोर्ट करना है, तो पूरी सपोर्ट भी की गई। हमारे जितने भी मेंबर्स थे मैक्सिमम वहाँ पे आए हुए थे और मैक्सिमम जो ट्रॉफीज थी वो जम्मू मोटर स्पोर्ट कम्युनिटी के मेंबर्स को मिली। बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया। जो हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स आए थे उनको देखने का जो मज़ा आया वो तो आया ही आया, लेकिन उनकी गाड़ियाँ जो थी वो प्रोफेशनल रेसिंग करने के लिए जो है बनी हुई थी। इस वीडियो में मैंने उनका डाला भी हुआ गाड़ियों का भी। तो हमारे लोग जो हैं वो एक नॉर्मल गाड़ी जो हम लोग ऑफिस में या घर में यूज़ करते हैं वही लेके जो है इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक नॉर्मल गाड़ियाँ लेके हम लोग जो है उसमें इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे और इवेंट में मैक्सिमम जीत हमने ली भी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी जम्मू मोटर स्पोर्ट कम्युनिटी के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे इवेंट्स जम्मू में हमारे होते रहेंगे। और हमारे रजवाल्स एक्सप्लोरर में से दो गाड़ियां, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एक सेंट्रो एक अल्टो जो है पार्टिसिपेट की थी धीरज जी और हमारे रोहित जी ने। तो धीरज जी पहले क्लास ए में जो कैटेगरी रहती है उसमें फर्स्ट चल रहे थे, तो डे टू में आके फिर उनकी पोजीशन जो है थ्री हुई और उनको जो है थर्ड प्राइज दिया गया। कल एक चीज़ देखने को मिली फ्रेंड्स कि ये जज्बा जो होता है ना, जो अटैचमेंट होती है अपनी कम्युनिटी के साथ कितनी होती है। हमारे एक मेंबर हैं साहिल जी, जब हम लोग प्राइज लेके इकट्ठा हुए तो भाई साहब वो इमोशनल हो गए, उनको देख के हम भी ऑलमोस्ट इमोशनल हो चुके थे। तो उनका जज्बा देख के भाई साहब सलाम है उनको, उनकी डेडिकेशन। जब भी हम लोग ऑफ रोड में जाते हैं वो पूरा दिन खड़े रहते हैं, हर गाड़ी को निकलवा रहे हैं, पूरा ट्रैक के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहते हैं साथ साथ। तो भाई साहब ऐसा देखने को बड़ा कम मिलता है। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow.